Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video, we are going to learn another types of sentences. This is लिख कर दिखाओ, नाच कर दिखाओ, हिम्मत है तो बोल के बताओ या बोल के दिखाओ, हिम्मत है तो अंदर जाके दिखाओ या जाकर दिखाओ, आके दिखाओ, यदि हिम्मत है तो आके दिखाओ। इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में आप कैसे बोलिएगा? वेल, इस सेंटेंस को सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है फ्रेंड। सबसे पहले राइट करेंगे स्ट्रक्चर में सो मी या सो अस। यदि हम लोग बहुत सारे आदमी खड़े हैं तो बोल रहे हैं किसी को हिम्मत है जाकर दिखाओ हम लोगों को, मतलब हम लोगों को दिखाना है, तो हो जाएगा सो अस। यदि सिर्फ मुझे दिखाना है तो हिम्मत है तो ये काम करके दिखाओ, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, तो हो जाएगा सो मी। क्या करेंगे? सो मी, ज्यादा आदमी रहेगा तो सो अस। उसके बाद उस काम का नाम भरेंगे जो हम लोग करके दिखाने बोल रहे हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर छोटा मोटा असरदार। आइए सेंटेंस लेते हैं और इसको ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। सपोज दैट आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तब आप बोलिएगा लिख के दिखाओ। क्या बोलेंगे? अकेले पढ़ा रहे हैं तो हो गया सो मी। उसके बाद क्या करेंगे? क्या लिखना क्या बोलते हैं? राइट। सो मी टू राइट। आप तो ऑलरेडी जानते हैं दो वर्ब के बीच में टू आता है। उसके बाद नाच कर दिखाओ। सो अस टू डांस या सो मी टू डांस। एक आदमी है तो सो मी, बहुत सारा आदमी कह रहे हैं तो सो अस। नेक्स्ट सेंटेंस, बोल कर दिखाओ, हिम्मत है तो सो मी टू स्पीक। जाकर दिखाओ, सो मी टू गो। आकर दिखाओ, सो मी टू कम। हिम्मत है तो आके दिखाओ, इफ यू हैव डेयर सो मी टू कम। वेल डियर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? छोटा असरदार वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी दबा ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप मजेदार और छोटा मोटा डेली यूज स्ट्रक्चर सीख पाए जो आपके इंग्लिश को चार चांद लगा दे। और कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है। जो भी सेंटेंस नहीं बन रहा है राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं जल्द उस पर वीडियो बना के लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।